एक सवाल ये आया था हुजूर कि क्या तलाक देना ये गुनाह है? तलाक उन चीज़ों में से है जो अल्लाह तबारक व ताला को पसंद नहीं है। तो दीगर अहादीस करीमा, इसी तरह कुरान पाक की आयात को अगर हम देखते हैं तो दीन इस्लाम की तालीम इस हवाले से है कि मर्द और औरत के दरमियान जब रिश्ता इज़दिवाज कायम हो जाता है तो इसको बाकी रखने की कोशिश की जाए, और ऐसा नहीं है कि निकाह करें और अपनी मर्ज़ी से फ़ौरन तलाक दे दें या फ़ौरन तलाक ले ली जाए। तो तलाक अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में पसंदीदा चीज़ नहीं है, ना पसंदीदा कामों में से है। और बाज़ सूरतों में तलाक देने का जो अंदाज़ लोग इख्तियार कर लेते हैं तो बिला उज़्र शरई तलाक देने की इजाज़त नहीं है। तो बाज़ सूरतों में तलाक देने का अंदाज़ ही गुनाह होता है, यानी कि 3 तलाक़ें एक साथ दे देना ये गुनाह का काम है। इसी तरीके से औरत के अब मखसूस अयाम चल रहे हैं तो उन दिनों में तलाक देना ये नाजायज़ अमल है। और भी मुख्तलिफ तरीक़े हैं कि जिन तरीक़ेकार के मुताबिक तलाक देना गुनाह है।